आज से आम आदमी पार्टी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इनके इतने षड्यंत्र के बाद भी भगवान की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है, संविधान की ताकत है और सुप्रीम कोर्ट का न्याय है कि आज मैं जेल से बाहर आ गया और आप लोगों के बीच में हूं। जब मैं जेल में था तो मेरे पीछे से इन्होंने दिल्ली के कई काम रोक दिए। मेरे को जेल से बाहर आने के बाद अब पता चल रहा है इन्होंने कई काम रोक दिए, जैसे टूटी हुई सड़कों की मरम्मत नहीं होने दी, सीवर की सफाई रोक दी जगह जगह, पानी की सप्लाई खराब कर दी इन्होंने, अस्पतालों में दवाइयों की बंद कर दी, अस्पतालों में टेस्ट बंद कर दिए। लेकिन जेल से निकलते ही मैंने धड़ाधड़ सारे काम करवाने शुरू कर दिए। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? अब शुरू काम धीरे धीरे सारे। तो इस षड्यंत्र में भी ये लोग सफल नहीं हुए। जैसे जेल से छूटते ही मैंने दिल्ली की टूटी सड़कों का युद्ध स्तर पर रिपेयर शुरू करा दिया और बाकी सारे भी जितने रुके हुए काम है वो भी शुरू हो रहे हैं। दवाइयां भी अब शुरू हो जाएंगी, टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे, सारे काम अब धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। अब इन्होंने प्लान एक और बनाया, इन्होंने प्लान बनाया है किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता हासिल करो। दिल्ली की सत्ता किस लिए हासिल करो? काम कराने के लिए नहीं, दिल्ली में जो 10 साल में काम हुए उनको रोकने के लिए, ताकि गुजरात की जनता इनसे ना पूछे, उत्तर प्रदेश की जनता इनसे ना पूछे, उत्तराखंड। तो इन्होंने प्लान बनाया किसी भी तरह से दिल्ली की सत्ता हासिल करके दिल्ली के काम बंद करो। अब बात आपके हाथ में है, अगर आपने इनको आने वाले दिनों में दिल्ली में चुनाव वोट दे के जिता दिए तो ये दिल्ली के सारे काम रोक देंगे। सबसे पहले ये दिल्ली की फ्री बिजली बंद करेंगे, क्योंकि और कहीं नहीं दे रहे। तो इनकी मंशा ये नहीं है कि दिल्ली में सीख के गुजरात में फ्री बिजली देंगे, ये दिल्ली की फ्री बिजली बंद करेंगे ताकि गुजरात वाली जनता इनसे पूछना बंद कर दे, भाई दिल्ली में तो मिल रही है हमको। तो देखिए, सरकार कैसे चलानी है मैं जानता हूँ, कैसे दिल्ली की सत्ता को हथियाना चाहती है सरकार, इसका जिक्र अरविंद केजरीवाल आज से जनसंपर्क अभियान का आगाज किया है।